हेलो एंड अ वेरी वॉर्म वेलकम टू जुनैरा अज़हर ऑफिशियल व्यूअर्स। पाकिस्तान में यूजुअली जो हर 5 साल के बाद बज़ाहिर इलेक्शंस होते हैं, मैं हर 5 साल के बाद एक जेनेरिक सेंस में कह रही हूँ, अदरवाइज पाकिस्तान में इलेक्शंस कब होते हैं ये हर दफ़ा एक नई कहानी होती है। उससे पहले हर गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि वो अपने लिए मैक्सिमम पॉजिटिव ओपिनियन पोल्स जनरेट करा सके, अपने लिए बहुत अच्छे नैरेटिव्स प्रोड्यूस करवा सके, ऐसे गैलप सर्वेस करवा सके जिससे ये लगे कि वो लोगों में बहुत पॉपुलर हैं। व्हाई? बिकॉज ग्रास रूट लेवल पे पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की बहुत मुश्किल से मिलती है। मैं कलेक्टिव हिस्ट्री की बात कर रही हूँ। एज ऑफ नाउ ऑफ कोर्स PTI इज़ द मोस्ट पॉपुलर पार्टी, लेकिन इस वक्त वो मैटर नहीं करते बिकॉज वो गेम से बाहर हैं या उनको गेम से बाहर कर दिया गया है, जैसे मर्जी इसको आप इंटरप्रेट कर लें। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हेयर इज़ के जो करप्शन की बात अक्सर की जाती है और करप्शन को सिर्फ यही समझा जाता है फंड्स में से एम्बेजलमेंट कर ली, कोई हेज फंड्स क्रिएट कर लिए, किकबैक्स ले ली, किसी के पास कोई स्टेट ओन्ड एंटिटी बेच दी जानने वाले के पास, उसमें से अपना हिस्सा ले लिया। देर आर मल्टीपल वेज एंड विद इन डिपार्टमेंट भी देर आर मल्टीपल वेज, कम टैक्स लिखवा के पैसे किसी और को दे दिए, ये सारे तरीके तो वी नो कि ये एग्जिस्ट करते हैं। बट जो एक सबसे शर्मनाक तरीका है करप्शन का वो ये है कि आप झूठ बेचने के पैसे दें और पैसे आप उस इंडस्ट्री को दें जिसका असल काम वॉच डॉग का है कि वो राइट टू इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करता है, इंफॉर्मेशन लेके लोगों तक पहुंचाता है, लोगों के सामने हर तरह के ओपिनियंस रखता है, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स रखता है, एंड दे लेट द ऑडियंस और द व्यूअर डिसाइड कि वो किसको ठीक समझ रहे हैं, किसको गलत समझ रहे हैं, किस बात में किसका क्या ओपिनियन है, एंड वाइस वर्सा। मैं बात कर रही हूँ मेन स्ट्रीम मीडिया की। मेन स्ट्रीम मीडिया 2000 से पाकिस्तान में फ्लरिश किया, बहुत बूम आया इसमें, एंड नाउ आई थिंक इट इज़ एट इट्स लोएस्ट एब। लोएस्ट एब सिर्फ ये नहीं होता कि आप फाइनेंशियली कोलैप्स कर रहे हों, आपके पास फंड्स ना हो, लोएस्ट एब ये है व्हेन इट कम्स टू द मीडिया कि आपका जर्नलिज्म कोलैप्स कर चुका हो या जर्नलिस्टिक एथिक्स बिल्कुल फारिग हो चुकी हो, नोबडी इज़ बॉदर्ड कि असल चीज़ जो एसेंस ऑफ जर्नलिज्म है लोगों को इन्फॉर्म करना, एजुकेट करना, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, टू आस्क गुड क्वेश्चंस विद एवरी पॉलिटिशियंस, नो दिस इज नो मोर देयर। हर पार्टी के अपने जर्नलिस्ट हैं, एफिलिएटेड जर्नलिस्ट हैं। जितनी करप्शन पॉलिटिशियंस ने की है उतनी ही करप्शन में जर्नलिस्ट भी शामिल रहे हैं। आप अगर मतलब हर एक की हिस्ट्री निकालना शुरू करें तो आई एम श्योर कि जिस तरह हम 1980s में बात करते हैं कि फला सियासतदान का तो सिर्फ इतना एक छोटा सा घर था और आज देखें उसके पास लंदन में प्रॉपर्टीज हैं या टर्की में प्रॉपर्टीज हैं या पोर्चुगल में हैं, मैं जेनेरिक बात कर रही हूँ। इसी तरह अगर आप हर जर्नलिस्ट को भी डिग डाउन करना शुरू करें तो यू विल बी सरप्राइज्ड। और ये सब जानते हुए ऐसे माहौल में काम करना, यकीन करें, इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज वन, यू नो दैट देर इज़ नो ट्रूथ, देर इज़ नो रियलिटी जिसको आप पब्लिश कर रहे हैं या जिसको आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इट्स ऑल कॉन्कॉक्टेड नैरेटिव फ्रॉम वन पार्टी, फ्रॉम अनदर पार्टी, फ्रॉम वन स्टेट एंटरप्राइज, किसी ना किसी शोबे को सबने आपस में बांटा हुआ है और उसी को वो सेल कर रहे हैं। ये सारी बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि ये खबर है कि PDM गवर्नमेंट स्पेंड ₹10 बिलियन ऑन एडवर्टिजमेंट डिस्पाइट इकोनॉमिक क्राइसिस। इसकी मैं डिटेल आपको पढ़ के सुना देती हूँ। डिस्पाइट द इकोनॉमिक क्राइसिस द पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट गवर्नमेंट स्पेंट ₹10 बिलियन ऑन एडवर्टिजमेंट्स ऑन TV चैनल्स, न्यूज़पेपर्स एंड डिजिटल मीडिया, ARY न्यूज रिपोर्टेड ऑन ट्यूजडे। अ रिपोर्ट वॉज सबमिटेड टू द सेनेट स्टैंडिंग कमेटी रिगार्डिंग द PDM गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टिजमेंट्स फ्रॉम मार्च 2022 टू
August 2023. The previous PDM government spent a huge amount of money from the national exchequer on advertisement. According to the report, the PDM government gave ads worth ₹348 million to the Jio network. Moreover, the PDM government had awarded ads worth ₹309.1 million to Duniya TV network. Hum TV network got ₹296.9 million. Express network ₹282.8 million. Sama TV got ₹268.3 million. The news channel owned by the caretaker Punjab CM Mohsin Naqvi ₹217.8 million and ₹21.7 million to ARY network. The ads worth ₹3.5 billion were awarded to the print media, over 5 billion to the electronic media, and ₹1.23 billion to the digital media platforms. I think iske baad ye expect karna ke koi moral compass kisi state institution mein baki reh gaya hai, I think there is no need to even talk about that. Jo pichle dino humne interview ek bahut zyada discuss kiya Usman Dar ka by Kamran Shahid, uske baad bhi koi baat karne ko reh nahi gayi. इसी तरह जो सदाकत अब्बासी का इंटरव्यू है उसके बाद भी कोई बात करने को रह नहीं गई. द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू बिल्ड हेयर इज कि जब आप रिश्वत देते हैं उसकी कई फॉर्म्स होती हैं. यू आर एक्चुअली ऑब्लाइजिंग समवन एंड इन रिटर्न ऑफ कोर्स यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग. आपको किसी से कुछ लेते हुए ये पता होना चाहिए कि ऑफ कोर्स देयर इज नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड. अगर आपको कोई एड्स दे रहा है तो उसकी क्या वजह है, आपको फिर उसका माउथ पीस भी बनना पड़ेगा. दैट इज़ वाई वी से कि आम आदमी की तो बात ही नहीं होती टीवी पे. एक आम आदमी जिसका बच्चा गटर में गिर के मर जाता है, थर में जिस तरीके से स्ट्रेचर्स नहीं हैं, चारपाइयों पे उठा के लोगों को हॉस्पिटल्स तक कितनी दूर ले जाना पड़ता है, झूठा पेड कंटेंट चलाया जाता है जिसमें दिखाया ये जाता है कि सिंध में तो पता नहीं कितनी स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ हैं. फिर हम सुनते हैं कि पंजाब में तो शहबाज शरीफ ने इतना ज़बरदस्त हेल्थ सिस्टम बना दिया था कि आप उसको दुनिया से कम्पीट कर सकते हैं, लेकिन जब ख़ुद उनकी तबीयत ख़राब हुई, उनके भाई की तबीयत ख़राब हुई, तो वो उन हॉस्पिटल्स पर ट्रस्ट नहीं कर सके. ये सब क्या है? ये सब रिज़ल्ट है ट्रूथ के कॉम्प्रोमाइज़ होने का. जब इतने एड्स मिल जाते हैं चैनल ओनर्स को, एंड माइंड यू ये चैनल ओनर्स ख़ुद भी बहुत बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं, इनकी अपनी इतनी मिल्स हैं, इनकी अपनी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, ये उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये चैनल्स बनाते हैं. और जब आपकी गवर्नमेंट और आपका जर्नलिज़म कोलैबोरेट कर जाए अगेंस्ट पीपल, तो उसके बाद अगर आप समझते हैं कि आज़ादी नाम की कोई चीज़ है, तो आई थिंक यू एंड आई आर टू नाइव. ये फिर आंखें बंद करने वाली बात है, ये डिनाइल में रहने वाली बात है. इस वक्त डिजिटल मीडिया पे अगर आप जाएं तो एक्स पे जाएं, वहाँ पे आपको लोग आपको गालियाँ देते नज़र आएंगे, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को रिफ्यूट करने के लिए उनके पास आर्ग्यूमेंट ना भी हो तो कम से कम वो आपके ऊपर कोई ऐसा जुमला ज़रूर कस देंगे जिससे आपको तकलीफ़ हो. एंड में एंड रिज़ल्ट ये लाना चाह रही हूँ कि सच बोलना बहुत मुश्किल होता जा रहा है. और सच कोई वो वाला सच नहीं जो लोग जानते नहीं हैं, लोग ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं इन सो मैनी वेज़. आपने सिर्फ उनकी तर्जुमानी करनी होती है, आपने सिर्फ उनके लिए आवाज़ बुलंद करनी होती है कि शायद आपकी आवाज़ की वजह से किसी क्वार्टर तक कोई बात पहुंच जाए और उस शख्स का कोई भला हो जाए जिसकी वो खबर थी. इसी तरह अगर कोई गलत लेजिस्लेशन पास हो रही है तो रेज़ योर वॉइस अगेंस्ट इट, ताकि गवर्नमेंट्स को पता चले कि ये इट्स नॉट दैट ईजी कि आप अपनी मर्ज़ी की लेजिस्लेशंस करते रहेंगे. कुछ बच्चों ने अगर मुस्लिम लीग नून के कुछ पोस्टर्स के ऊपर आई डोंट नो इंक फेंकी है या क्या किया है, उन बच्चों को अरेस्ट कर लिया गया है, व्हाई नो टॉप जर्नलिस्ट इज़ टॉकिंग अबाउट इट. सो जो मॉरल कंपस है हमारा, वो हर लिहाज से मेरे ख्याल है इन प्लेस कहना तो दूर की बात है, वो ब्रोकन है, इट्स ब्रोकन कम्प्लीटली. और उसके बाद ये याद रखें कि जब आपके सामने बैठ के कोई बात कर रहा होता है, आई वॉन्ट योर फैकल्टीज टू बी वेरी अलर्ट. थिंक अबाउट इट वेयर दिस इज़ कमिंग फ्रॉम. किसी एक पर्टिकुलर जर्नलिस्ट को अगर आप बहुत पसंद करते हैं, अगर आपको लगता है कि उसका नैरेटिव चेंज हो रहा है,
या वो किसी एक नैरेटिव को बहुत हिट करता है, एक को बहुत परसू करता है और ख़ास लाइन टो करता है, तो उसको आप कॉम्प्रोमाइज्ड समझें. स्टॉप लिसनिंग टू देम, स्टॉप सपोर्टिंग देयर यूट्यूब चैनल्स, चाहे वो थंबनेल के ऊपर जो मर्जी करें. झूठ का आलम ये है कि वो लोग जो इंतहाई मुखालिफ हैं चेयरमैन पीटीआई के और पीटीआई के, वो अपने थंबनेल्स के ऊपर, यानी जो आप एक फेस देखते हैं यूट्यूब चैनल का, उसके ऊपर इमरान खान की पिक्चर ही इसलिए लगाते हैं कि उनके फैंस भी आके उसको क्लिक ज़रूर करें एक दफ़ा. इसी तरह जो लोग बहुत मुखालिफ हैं मियां नवाज शरीफ के, वो उनकी तस्वीर इसलिए लगाते हैं ताकि जो लोग उनको फॉलो करते हैं वो भी आके एक दफ़ा क्लिक ज़रूर करें उनका यूट्यूब चैनल. सो जस्ट टू गार्नर एंड जस्ट टू क्रिएट द फॉलोअरशिप, पीपल वुड गो टू एनी एक्सटेंट. एंड दिस इज़ वाई ये कहा जाता है कि ट्रुथ विल सेट यू फ्री, कि एज आई एम टॉकिंग टूडे ऑन दिस आई ऑल्सो हैव माई ओन यूट्यूब चैनल, आई एम नॉट बॉदर्ड कितने सब्सक्राइबर्स हैं, आई एम नॉट बॉदर्ड मुझे इससे कुछ अर्निंग हो रही है या नहीं हो रही. उसकी वजह क्या है? क्योंकि मैं यहाँ पर जो लिबर्टी इंजॉय कर रही हूँ of saying whatever I want to say and talk about the people and talk about the issue, उसकी कोई price नहीं है. उसकी कोई price देने की कोशिश भी करे तो it is not acceptable to me. और ऐसे लोग हैं, definitely हैं, और ये बड़ा मुश्किल काम है. This is one man show. जब आप किसी channel पर काम करते हैं आपको पूरी production team मिलती है, you don't have to worry, आप सिर्फ अपने content पर focus करते हैं, you present it and you go. जब आप YouTube चैनल चला रहे हैं आपने वेरीफाई भी करनी है न्यूज़, आपने गैदर भी करना है कंटेंट, आपने उसको प्रोड्यूस भी करना है, आपने उसको एडिट भी करना है, आपने उसको अपलोड भी करना है, एंड यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट एज वेल. सो इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, और दिस इज़ वाई मैंने नाम लेके चैनल्स के आज सिर्फ वीडियो की ही इस टॉपिक पे है कि ये मैनिपुलेशन है एट अ वेरी हाई लेवल, नॉट स्टेट लेवल आई वुड से, बिकॉज स्टेट इसमें इन्वॉल्व नहीं है. इसमें वो हैंडफुल ऑफ बिजनेसमैन इन्वॉल्व हैं जिन्होंने अपने बिजनेसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए चैनल्स बनाए हुए हैं, और उन चैनल्स पे वो एड्स लेके किसी भी गवर्नमेंट, किसी भी ग्रुप का माउथपीस बनते हैं, एंड दैट इज़ हाउ जर्नलिज्म इज़ कॉम्प्रोमाइज्ड. आई होप देर आर अदर फैक्टर्स लाइक दिस एज वेल दैट आई कैन डिग डीप एंड प्रेजेंट टू यू, ताकि फेक न्यूज़ से बचने का जो एक सिलसिला है वो बड़ा ज़रूरी है. उसका सबसे आसान तरीका तो वैसे ये है कि अगर आप किसी जगह पर कोई न्यूज़ पढ़ रहे हैं उसको 4-5 जगहों से वेरीफाई करने की कोशिश करें. उसको गूगल पे भी देखें, उसको सफारी पे भी देखें, उसको एक्स पे भी देखें, उसकी सोर्स पे, जो मेन सोर्स है कि ये ओरिजिनेट कहाँ से हुई है, क्या वो कोई न्यूज़पेपर है, कोई टैबलॉइड है, कोई टीवी चैनल है, वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करें. फिर अगर आपको ये पता चल जाए कि वो किस शख्स ने कहा है, वो कौन शख्स है जिसने ये न्यूज़ दी है असल में, थोड़ी सी उसकी क्रेडिबिलिटी चेक कर लें, एंड देन ओनली रीपोस्ट इट, देन ओनली टॉक अबाउट इट, एंड देन ओनली गेट इफेक्टेड बाय इट. अदरवाइज इस वक्त एक्स के ऊपर जो हमास के अटैक के बाद से पिक्चर्स आ रही हैं, उसमें बहुत सारी फेक पिक्चर्स हैं, पुरानी पिक्चर्स हैं, डीप फेक से क्रिएटेड हैं, फेक न्यूज़ क्रिएट की जा रही हैं, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह किसी वक्त में इराक में WMDs थे, आज तक नहीं मिले. वाइट फॉस्फोरस लोगों के ऊपर यूज़ किया गया, आज तक उसके बारे में किसी ने बात नहीं की, उसके ऊपर कोई यूनाइटेड नेशंस का कमीशन नहीं बना. इस वक्त वहाँ पर सप्लाई अगर बंद हो रही है गाज़ा की पट्टी में, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, बट अगर आप किसी इसराइली का इंटरव्यू सुनेंगे तो वो आपको ऐसे बोलता हुआ नज़र आएगा जिस तरह 1948 ऑनवर्ड्स वो ही जुल्म का शिकार रहा. तो इसलिए कहते हैं कि नैरेटिव बिल्डिंग इतनी एक डेलिकेट चीज़ है कि जो बहुत समझदार लोग हैं वो इसको रोज़ रोज़ मजाक नहीं बनाते जिस तरह हमारे मुल्क में होता है. आज कुछ कह दिया, आज कुछ नैरेटिव, कल कुछ नैरेटिव. सो बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट यू हियर, व्हाट यू सी, एंड व्हाट यू स्प्रेड, एंड व्हाट यू बिलीव इन. आई विल सी यू टुमारो.